दोस्तों गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिक्सर जो टॉपिक कराया था आपको, मिश्रण एलिगेशन बात करते हैं। कुछ लीटर दूध में 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाए, मतलब कि दो बार किया गया है, एक बार पहले फिर दूसरी बार दोहरा दिया इसी काम को, तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। बताइए प्रारंभ में दूध कितना लीटर था, यह आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। प्रारंभ में कितना लीटर दूध था, ये हो गया आपके पास दूध। दूसरी जो बात है दूध है, ये होता है आपका एक्स लीटर जो टोटल होता है, एक्स माइनस जो प्रारंभ में निकाली गई मात्रा बटे एक्स, इसे कितनी बार दोहराई गई, ये एक्स होता है मिश्रण, ए है निकाली गई दूध की मात्रा, निकाली गई दूध की मात्रा ए टॉपिक है, और मिश्रण है एक्स। अब बात करते हैं, देखो दूध है, दूध कितना है 16:9 बन गई ये वैल्यू। अब देखिए 16:9 टोटल कितनी है, 16+9 इक्वल टू ये एक्स, यहाँ पे मैंने कर दिया पक्षांतर, एक्स की वैल्यू कितनी है ये मेरे को अभी पता नहीं है, तो इसको मैं एक्स लिख देता हूँ। एक्स माइनस ए कितना है 12 लीटर बटे एक्स इक्वल टू, नहीं सॉरी इसकी कितनी होगी, एन का मतलब है दो बार दोहराया गया, इसका मतलब एन हो गया दो। अब देखिए 16/25 इक्वल टू एक्स माइनस 12/एक्स इक्वल टू ये दो आ गए। अभी इस दो का अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो ये अंडर रूट में आ गई वैल्यू, इसका मतलब हो गया 4/5 इक्वल टू एक्स माइनस 12/एक्स। देखो यहाँ पर वैल्यू आ गई 4x इक्वल टू 5x माइनस 60, एक्स बराबर वैल्यू आ गई 60 लीटर, ये प्रारंभ में जो मात्रा थी उसकी वैल्यू 60 लीटर निकल के आ गई, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 3 समान आयतन के बर्तनों में दूध एवं पानी का मिश्रण भरा हुआ है, जिसमें दूध एवं पानी का अनुपात, पहला बर्तन है उसमें 7:3, दूसरे बर्तन में 2:1 है, और तीसरे बर्तन में रेशियो दूध एवं पानी का रेशियो मिल्क और वाटर का जो रेशियो तीनों में दिया गया है वो 7:3, 2:1, 3:2 है, और समान आयतन है, आयतन अगर इनकी समान है, इन दोनों का एडिशन करते हैं तो 10 हो गया, इन दोनों का एडिशन 3 हो गया, और इन दोनों का एडिशन 5 हो गया, इन सब का अगर एलसीएम अगर मैं ले लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ सबसे पहले 10, 3 और 5 का, तो इसका एलसीएम आ गया 30, 30 एलसीएम आ गया, तो ये इससे 30 कब होंगे 3 से गुणा करने पर, और ये 30 कब होंगे 10 से गुणा करने पर, ये 30 कब होंगे 6 से गुणा करने पे। देखिए 7 3 21 और 3 3 9, दूसरे वाले में 10 2 20 और ये 10 और ये 6 3 18 6 2 12। अब देखिए मिल्क की वैल्यू अगर लिख दूं अलग और वाटर की अलग, इसमें मिल्क है 21
दूसरे वाले में इसमें वोटर 9 रह गया, इसमें मिल के 20, वोटर 10, इसमें मिल कितना है 18, वोटर कितना है 12, इन सबको ऐड किया दो तीनों को 59 आ गए, और इनको ऐड किया गया तो ये आ गए 31। इस प्रकार 59:31 ये आंसर हो गया, ये मिल्क की वैल्यू हो गई और ये वोटर की हो गई। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर करना चाहते हो आप, 7/10 2/3 3/5 ये इसका दूसरा तरीका है, इसमें कर देते। देखिए इन सब का एलसीएम लिया 30, 7 3 21 20 और ये हो गए आपके पास 18, इन सब 59/30 आ गए आपके पास, 59/30 आ गए। और दूसरा इसमें 3/10 1/3 और 2/5 इन सब का एलसीएम 30 और इसका मतलब हो गया 9, इसका मतलब हो गया 10, इसका मतलब हो गया 12, इन सब का एडिशन 31/30, इन सब का रेशियो हो गया 59:31। ये लो, इसका इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो। और कुछ और एग्जांपल करते हैं, मिल्क और वाटर का रेशियो 59:31 आ गया। एक और नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 2 बर्तन में दूध एवं पानी का अनुपात 3:2 है, 2 बर्तन है उनमें मिल्क और वाटर, पहले बर्तन है उसमें रेशियो दिया गया आपको 3:2, दूसरा बर्तन है उसमें रेशियो है 5:1 मिल्क और वाटर का, दोनों मिश्रण को बड़े बर्तन में 2:3 में मिला दिया जाए तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, इन दोनों का एडिशन 5, इन दोनों का एडिशन 6। अब देखिए एलसीएम लीजिए आप, सबसे पहले 5 और 6 का, ये आ गया आपके पास 30, 30 आ गया, तो इन सबको 6 से गुणा कर दो, 5 6 30, इसको 5 से गुणा कर दो, 30 बन गए, दोनों बराबर हो गए, समान आयतन हो गया। कैसे, अब देखो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले दूसरे बर्तन को 5 से मल्टीप्लाई, इसको किया 6 से 18:12, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन कह रहा है मेरे को 5 25 और ये आपका 5, इन दोनों को 2:3 में मिला दिया गया, 2:3 में, पहले वाले के 2 भाग दूसरे वाले के 3 भाग, अब इसको 2 से गुणा कर दें, 18 2 36, 12 2 24, 3 को 25 से गुणा किया गया तो 75, इसको इससे गुणा करते हैं, 3 को 5 से किया 15, इन दोनों का एडिशन किया और इन दोनों का एडिशन किया, इसका एडिशन हो गए 39 और इसका एडिशन हो गए 111 आ गया। ये है आपका मिल्क और ये रेशियो है वाटर का, मिल्क अपॉन वाटर जो मिक्सर तैयार हुआ है 111/39, इसको लिख सकते हो आप 37/13, ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। देखिए सबसे पहले पहले वाले बर्तन का रेशियो 3:2, दूसरे वाले बर्तन का रेशियो 5:1, दोनों को ऐड किया तो 5 आए, इसको ऐड किया तो 6 आए, इन दोनों का एलसीएम लिया 30 आया, इसको 30 बनाने के लिए 6 से गुणा करेंगे, इसको 30 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, 6 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करो
6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, ये मैंने लिखा। फिर 5 को इससे किया 25 दूसरे वाले बर्तन में, और फिर 5 को इससे किया पाँचम टेबल। एक बार अब देखिए, इनमें बोला गया है कि बड़े बर्तन में 2:3 में मिला दिया गया। पहले वाले को 2 के रेशियो में लिया तो दूसरे वाले को 3 के रेशियो में लेंगे। इसको 2 से गुणा किया, 18 × 36, 12 × 24, 25 × 75, 5 × 15। फिर मिल्क वाले को अलग ऐड किया गया, वाटर वाले को अलग ऐड किया गया। मिल्क और वाटर का रेशियो निकल गया 111:39, 37/13 फाइनल आंसर आपका जो रेशियो में निकल गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सॉरी, देखिए 35 लीटर मिश्रण में शराब एवं पानी, अल्कोहल दे रखा आपको, शराब एवं पानी की मात्रा है 4:1 है। अब मिश्रण में कितना लीटर और पानी, कितना और पानी मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए। टोटल इन दोनों का मतलब है 35 लीटर। अब इन दोनों को ऐड कर दूं तो 5, इसको 35 बनाने के लिए 7 से गुणा कीजिए, 7 से गुणा किया, 7 × 28 लीटर तो हो गई शराब, 7 लीटर हो गया पानी। अब बोल रहा है कि इनका अनुपात 2:1 हो जाए। अगर इसमें शराब की जो मात्रा है वो 2 हो जाए तो पानी की मात्रा अगर 1 होनी चाहिए, 1 का मतलब हो गए 14 होनी चाहिए, 2 का मतलब है 28 अगर शराब की मात्रा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 लीटर उसमें से पहले पानी था, अगर उसके अब होना चाहिए 14 लीटर पानी, तो 14 − 7 कर दूँ मैं तो 7 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा आपको। ये 2:1 के रेशियो मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए, ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। क्योंकि इस क्वेश्चन में 28 लीटर शराब हो गई, 7 लीटर पानी था, इनको 2:1 में बनाना है। शराब की मात्रा तो वो ही रहेगी क्योंकि इसमें शराब तो मिला नहीं रहे, पानी ही मिला रहे हैं। पानी का रेशियो इसमें 1, शराब का रेशियो 2 है, 2 का मतलब 28 है, तो 1 का मतलब 14 हो जाएगा। पहले 7 लीटर पानी था, अब इसमें 14 लीटर पानी करना है, तो 7 लीटर और पानी हाफ ऐड करोगे तो 7 लीटर ही पानी इसमें मिलाने की आवश्यकता होगी। 2:1 में आपका मिक्सर तैयार हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 28 लीटर तो आपकी शराब हो गई और 14 लीटर पानी हो गया, ये आपका फाइनल आंसर निकल गया 7 लीटर पानी। 14 माइनस अगर आप 7 पहले भी था तो 7 बराबर करोगे तो ये 7 आपका जो लीटर निकला है वो 7 लीटर फाइनल आपका आंसर निकला है जो इसमें पानी मिलाने की आवश्यकता है। आप वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। मिक्सर टॉपिक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे आपको। आप इस क्वेश्चन निकालिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ये 20 से 25 सेकंड में आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो मिक्सर जो मैंने टॉपिक करवाया है उससे मिक्सर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 100%। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।